जाता ना, मेरे मुंह जबान कभी कभी फंस जाते, जैसे अभी सा 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 ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो मैं उसको कट फ्रेश फ्रेश सर्व किया जाता है, बहुत ही अच्छा। क्या आप बोल रही हो ये बताओ बस, मामी नो या यस? तुम मुझे बस अरे हवाले है वतन साथी हो जाओ, कहाँ से वहां से लंग लगोगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर आफिया से होंगे। अच्छा भी जितने भी नए लोग हैं कैंडी, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भाई आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं, कल जो हम कपड़े लिए थे ना, जो शर्ट्स वगैरह लेके आ रहे थे, तो उनमें से जो दो शर्ट थी ना, वो मुझे लगी तो बहुत अच्छी। मैंने इस चक्कर में ना वो उनको देखा ही नहीं कि वो छोटी हैं या बड़ी हैं, तो वो ऐसा हुआ कि वो दोनों जो ना स्मॉल साइज़ निकल आई। तो मेरे जो ना ये आप देख लें शॉर्ट बहुत है, तो वैसे भी हाइट के हिसाब से बहुत छोटी पड़ गई है, लेकिन शर्ट्स बड़ी ज़बरदस्त थी। वो मुझे लगता है अभी इनको पता नहीं अभी एक्सचेंज होती है नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाएंगे, क्योंकि उनको बोलेंगे भाई ये छोटी है तो हमें बड़ी चाहिए। देखते हैं एक्सचेंज हुई ठीक है तो कहीं किसी और को दे देंगे वहाँ पे जाके। तो दो शर्ट्स का यही मसला हो गया, दोनों ही बहुत अच्छी और ज़बरदस्त शर्ट थी, लेकिन वही दोनों छोटी हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वाली। एक तो थी ये वाली शर्ट जो कि पिंक है, लेकिन इसके अंदर पता क्यों लाइट लाइट, लेकिन ये फुल पिंक थी और देखें कितनी प्यारी शर्ट थी ना। तो लेकिन यार क्या बोले, जो नसीब में नहीं था। और ये क्वालिटी वाला तो ये देखें, ये मीडियम है, ये देखें यहाँ पर मीडियम है, तो ये छोटी होगी मुझसे। तो ये एक ये थी, एक दूसरी, दोनों शर्ट्स प्यारी थी लेकिन बस क्या करें छोटी हो गई। और दूसरी जो ना ये वाली थी, और ये तो उससे भी ज़्यादा देखें बिल्कुल ही छोटी है, ये यहाँ लेंथ में भी छोटी है, तो ये उससे भी बिल्कुल छोटी है। तो ये दोनों शर्ट्स थे, चलो तो देखते हैं भी अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो वहीं पर जाके ना किसी को बोलेंगे आपके लिए मैं लेकर आया था बड़े प्यार से बड़े सुकून से। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग जो ना यहाँ से क्रॉस करके वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर वो शॉप थी ना। अरे रुक जाओ, अच्छा हाँ खुल गया। तो यहाँ पर ना ये मज़े की चीज़ ये है कि हर जगह पर ना ये पब्लिक चलने के लिए ना इन लोगों ने दिए हुए सिग्नल लगे हुए हैं सब कुछ, तो आप बंदा आराम से जाता है। तो लेकिन रूल्स रूल्स हैं, बहुत ही मज़े के रूल्स हैं। मतलब अभी आप सब वेट करेंगे वहाँ वाले यहाँ के लिए, यहाँ वाले वहाँ के लिए, तो जैसे ग्रीन होगा हम सब यहाँ से निकल जाएंगे अब। तो यार शर्ट्स जो ना हमने सक्सेसफुल मतलब एक्सचेंज हो गई है, उन्होंने बोला आपने जाओ दूसरी और निकालो, तो चलो शुक्र है अच्छा हो गया, क्योंकि वैसे हो जाती है एक्सचेंज ना, क्योंकि मैंने उसको बताया कि भाई मैं 5-6 लेके गया था और वो पेपर जो होता है वो मेरे पास था। तो देखो अभी मैं यहाँ से निकालता हूँ बड़ी वाली शर्ट्स, वैसे ही निकालूंगा जैसे कल वो पिंक वाली निकलती ना, वो बहुत मज़े की थी, लेकिन वो उसमें बड़ा साइज़ मिल जाए ना आज मैं देख कर ही जाऊँगा सारी शर्ट्स। तो अभी शुक्र है कि मुझे जो ना ये मिल गई यहाँ पर, ये अभी लार्ज भी लिखा हुआ था अभी ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर सारी लगी हुई है। दूसरा कलर कौन सा था? तो यार यहाँ पर जो ना मुझे मिल गई है, बस एक मैंने उसके बदले ग्रे के बदले ये ब्लैक वाली ले लिया, ब्लैक वाली बहुत अच्छी लग रही है, और एक वैसे पिंक वाली, पिंक माई फेवरेट, लेकिन ये गंदी लग रही है, मैली हुई है, साफ वाली निकाल लेता हूँ। तो फिर कुछ ना कुछ ले लिया, फिर मैंने ट्राउज़र ले लिया, तो ट्राउज़र ले लिया बाकी बस ठीक। या मरहबा अहला वसहला, ठीक है। अच्छा अभी सारा सामान लेकर ना अभी हम जा रहे हैं वापस, तो गए थे अभी तो डीडी भाई, फिर से डीडी भाई और मैंने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर ली। तो इधर जब भी जॉब का दिल करते बस यहाँ से कुछ ना कुछ लेते रहो, तो अच्छा खासा जमा सामान हो गया, लेकिन आगे ये भी मसला होता है वज़न जो होता है वेट का, ये मसला ना हो तो इसलिए हम लोग बस आज से एंड करें, बस थोड़ा सा कुछ लेंगे बाकी और बस। लुलू में अंदर जाकर देखते हैं कुछ हमें मिल जाता है हमारे काम का, तो अम्मी के लिए पर्स वगैरह ये चीज़ें लेनी थी, तो अभी अम्मी के लिए बैग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं है तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 100-180 ऐसे कुछ चल रहे धीरे, तो उससे ऊपर भी है, हम लोग तो खैर छोटे छोटे देख रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी घर पर हम लोग आ गए थे, मतलब घर तो नहीं रूम को भी हमें ऐसे फील होता है जैसे घर होता ना वैसे फील हो रहा है। तो अभी नहा धो के फ्रेश हुए हैं, अभी कैप वैप लगाते थोड़ा बाहर जाते हैं। यार डीडी भाई आज आप हमें कहीं लेकर, तो उम्मीद तो ये है कि कहीं जाएंगे, वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी टाइम होने वाला है मगरिब का, मगरिब से मतलब है कि ईशा होने वाली है भाई, ईशा ओ मगरिब से मतलब है कि भाई 6-7 बजने, 7 बज गए हैं, तो बस देखें। अच्छा मेरी जो ना ये जो जब बातें करते ना, मेरे मुंह जो ना जबान कभी कभी फंस जाते, जैसे अभी सा 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 ऐसे कभी कभी हो जाता है, तो मैं उसको कट करता हूँ। तो रियलिटी में अब जब मिलेंगे तो आपको ये फील होगा, तो मैं उसको जो ना वैसे कभी कभी ठीक कभी कभी यार जो होता है कोई कोई वर्ड होते हैं मेरे का, जहाँ पे मैं पा 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 यहीं पे फंस जाता हूँ, जैसे वो बोलते हैं जल्दी बोल कल सुबह निकलना भी है, तो वहीं पे फंस जाता हूँ मैं भी। तो यार अभी हम लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, बटन दबाए हाँ जा, तो नीचे जा रहे हैं थोड़ा बाहर, सारा दिन सो सो के हालत भी नींद वाला हो गया, कहीं लेके नहीं गए आज ये, नहीं यार लेके जा रहा हूँ यार, कोई फायदा ही नहीं डीडी भाई। नहीं, नहीं, नहीं। साथ ही आपको ऐसा सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी स्ट्रीट है, यहाँ पर एक जगह चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे चलते रहो साथ में रोड, हर जगह पे यही सीन है कि मतलब आपको चलने के लिए जगह छोड़ देते हैं और अच्छी साफ सुथरी जगह देते हैं।
तो अभी हम बाहर आए थे और यहाँ से हमने लिया लीमू पानी, और सामने भाई बना रहे हैं, 2 रियाल का मिलता है लीमू पानी। तो यहाँ पे काफ़ी जगह पे देखा है हमने ना ये लीमू पानी, बहुत पाकिस्तानी जो है ना वो बेच रहे हैं। रूह अफजा भी साथ में है, ये भी तो बहुत ही मज़े का होता है। छोटी बाइक है ना इलेक्ट्रिक, ये बहुत मज़े की लग रही है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जो ना ले लें, लेकिन पता नहीं फिर कार को कराओ ये कराओ, लेकिन है बहुत मज़े की है। अच्छा, यहाँ पर एक शॉप है बोलान नाम की है, मोबाइल शॉप है, तो हम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं बहुत इज्जत देते हैं हमें। और ये है भी हमारे पाकिस्तान के, ये खान साहब हैं, लेकिन मैंने अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर लिया, ग्लास वगैरह लग गया, तो डिस्काउंट भी करते हैं, चीज़ भी अच्छी अच्छी रखी हुई है। तो सब ये इन्होंने मुझे खुद पकड़े, बोलते हैं हम आपके व्लॉग देंगे, आपने मेरे मोबाइल की शॉप दिखाई तो मुझे समझ आया कि आप भी यहीं पर साथ में हो। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे इखलाक है। वैसे यहाँ पर जिसको भी मिलो ना बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो वैसे भी खुश होते हैं अगर कोई विजिटर यहाँ पर आता है ना, तो उनको खुशी होती है कि भाई चलो हमारी कंट्री से आया है। जो डीडी भाई को बुला के लो, आवाज़ बंद करो। चलो डीडी भाई आ रहे हैं, डीडी भाई ने बैल दिया ना, तो अभी ये आएंगे। ये तो पहले मैं फिर भी दोबारा डर गई हूं, ये नहीं डरा कौन। ओ ना ओ। अच्छा जी, तो अभी जो ना हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए, तो डीडी भाई भी नीचे चले गए हैं टैक्सी वैक्सी, देखते हैं क्या सीन है। तो ये रही वो शर्ट जो मैं दिखा रहा था कल लेके आया था, मुझे बहुत पसंद आई ये वाला शर्ट ना, लाइट पिंक से है, वैसे कलर तो लड़कियों वाला, लेकिन मुझे अच्छा लगा, अब तो मैंने ले लिया। बस जो भी आपको अच्छा लगे ले लेना चाहिए, लेकिन बड़ी मज़े की है, तो बस मुझे ये अच्छी लगी, अभी मैं ये पहन के जा रहा हूँ। तो बाहर चलते हैं और आज का शुरू करते हैं। भाई शुरू तो कब का है, वैसे मज़ेदार जो व्लॉग होता है ना वो अभी शुरू होगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर, तो बाहर जाके थोड़ा घूमना फिरना होता है, वहाँ पर थोड़ा अच्छा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आए हम सब चलते हैं साथ में, तो अभी जो ना रेडी हो रहे हैं, जब तक मैं खुद जो है नीचे चला जाता हूँ। कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो अभी कब से हम वेट कर रहे थे, और अभी देखें हम लोग एक हो गए, मैं आयत तैफा और फिर मैं तो इधर हूँ ना। खैर हम सब ने जो ना आज पिंक कलर पहने, पिंक पिंक पिंक। तो आयत से तो मैंने आपको मिला ही नहीं है आज, अब आयत सो रही सारा दिन। आयत आयत मामी नो ये ना, ये ना। नहीं मामी नो ये ना, ये क्या वो देख ले, इसमें एरोप्लेन देख ले। अच्छा एरोप्लेन, तब मामी यस और मामी नो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ ये बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, छोटी छोटी गुड़िया लग रही है। भाई गाड़ी से अभी हम लोग गाड़ी में खैर बैठने लगे, निकलने लगे, गाड़ी आ चुकी है और डीडी भाई लोग यहाँ पर हैं। तो खैर अभी हम यहाँ से निकलते हैं, और आज भाई हम जा रहे हैं अबू धाबी है, बाद में पूछ के बताता हूँ। तो वहाँ पर चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं भाई, थोड़ा नया कुछ देखने को मिलेगा भाई। आयत मामी नो, मामी नो क्या बोल रही हो, ये बताओ बस, मामी नो या यस। तुम मुझे बस एक ही बात बताओ, मामी नो या यस। मुझे बस एक ही बात बताओ। ओह माय गॉड, हियर वी गो। तो भाई ये है दुबई फ्रेम, तो कल इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके ऊपर अंदर बंदे भी घूम रहे क्या, तो कल हम इंशाल्लाह यहाँ से ना चक्कर लगाएंगे दुबई फ्रेम के ऊपर जाके। तो इधर भी एक हमारा प्लान बन रहा है कल का। आयत आयत वो देखो डोनट, देखा डोनट, वाओ डोनट नहीं है भाई, सॉरी टू लेकिन आया डोनट, आया डिड यू सी डोनट्स। हाँ ये आयत है, आयत है सही बोलो, मुझे नहीं पता लेकिन इसके ऊपर कुरान लिखा हुआ सारा, आए कोई आयत वगैरह। मामी नो आयत आयत मामी। और यहाँ पर रात के टाइम देखें बिल्डिंगें कैसे लग रही हैं, बड़ी मज़े की लग रही है ना, इमारत सारी है, तो ऐसे लगता है जैसे मैं तो नहीं यूके यूएस तो कल गया ही नहीं, मैं ऐसे ही बोलूँ कि यूके अमेरिका ये वैसे लग रही है, तो बस हमारे लिए तो बस यही यही है, क्योंकि वहाँ पे तो गए नहीं अभी, मैं बोलूँ उनकी जैसे लग रही है, फिल्मों में देखे थे तो मुझे तो ये उनसे भी बेस्ट लग रही है अभी फिलहाल। तो अभी अभी हम लोग आए थे जूम पर, और जूम ने हमें तो कड़क चाय मिली यहाँ से, तो यहाँ पर बहुत चलती है भाई कड़क चाय जो ना, जो हमारे देसी चाय थे उस टाइप के थे, और बहुत ही मज़े की है। हायत मामी नो, अच्छा इधर इस टाइम जो ना हम लोग अबू धाबी में आ चुके हैं, और यहाँ पर सेम वैसे लेकिन थोड़े उससे थोड़ा डिफरेंट है वैसे ये, तो खैर ये सौदे की तरह लग रहा है ये वहाँ, हाँ ये सौदे की तरह है।
दुबई से थोड़ा मुख्तलिफ, थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बिल्डिंगें बड़ी बड़ी, थोड़ा और ये थोड़ा अलग टाइप का लग रहा है मुझे। खैर पूरा इसको ना कवर करते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या मतलब, ओवरऑल जैसे बोलते हैं ना ओवरऑल, तो ओवरऑल ये क्या निकल के आता है। अच्छा जी, तो अभी जो ना हम लोग फाइनली आ चुके हैं अबू धाबी में, और ये हमारी होटल है जिसके अंदर अभी चेक इन चेकआउट जो होता है वो करते हैं, और उसके बाद जो ना हम लोग देखते हैं कि और क्या करना है। तो आ जाओ मेरे नौजवानों, मुल्क को फतह कर लो साजिद भाई। तो अभी होटल में हम लोग इंटर हो चुके हैं, अभी चेक इन या कुछ करते हैं, तो फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या सीन है। आयत मेरे पास है, ये देखो हम दोनों ही पिंकी बने हुए हैं। तो अभी आयत को मैंने यहाँ पर बिठा दिया और हम लोग बन गए मामी नो। जब तक मैं यहाँ बैठता हूँ, और मुझे लगता है इसमें से जिन निकल आएगा, अभी इसको रगड़ते हैं थोड़ा सा तो कोई ना कोई छोटा मोटा जिन निकल ही आएगा। तो जब तक हमारा चेक इन होता है यहाँ पर, जैसे है ना भाई, मेरी जो ना वो कैप ही उसमें रह गई, बस क्या करें यार बेटा। फिर मैंने देखा कैप नहीं है, वो कैप अभी मामूली नहीं है भाई, एक विलो की शान बन चुकी, तो काफ़ी लोगों ने बोला बहुत अच्छी लग रही, तो मिल जाएगी इंशाल्लाह। गाड़ी वालों को बोलते हैं क्या मेरी कैप हमें वापसी करो। अभी तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, और डीडी भाई इसको लिफ्ट समझ रहे हैं, हालांकि लिफ्ट तो इधर है, उसका गेट भी छोटा सा है, लेकिन हाँ। तो यहाँ पर जो ना बाबा जी की घंटी भी है, इसको एक बार बजा के फिर आप जाएं। टन टन तो ये तो छोटी सी है, ये जितनी बड़ी वो बिल्डिंग है ना उससे छोटी जो ना लिफ्ट है। ट्रिपल थ्री इधर है, वो लिखा हुआ है ना, वो देखो सामने साइन किया उन लोगों ने। तो हम लोग फिलहाल अपना रूम ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर मिलेगा। चलो भाई रूम का विजिट करते हैं, सबसे पहले इंटर होते हैं नए रूम में। या मरहबा अहला वसा, मेरे सामने मैं ही खड़ा हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब? तो ठीक हैं सब। तो इधर भाई एक छोटा सा बाथरूम है, बल्कि अच्छा है यार, तो वहाँ से अच्छा है मेरे ख्याल से, ये नहीं सही है लेकिन इधर थोड़ा अलग टाइप का है। चलो जो भी है, हमें कौन सा यहाँ पे साल गुजारने, दिन एक रात ही गुजारने। ये क्या चीज़ है? वही मिरर है, इसमें इतना बड़ा मुँह आता ना, ये देखो जूम करके दिखाता है कि तो यार कैमरे में नहीं आ रहा, बाकी मैं अगर इसके अंदर खुद देख रहा हूँ तो मेरे सिर्फ दांत दिख रहे हैं इसके अंदर, ये जूम करने के लिए। जैसे हम लोग ना मेरे ख्याल से अपनी दाढ़ी में या कोई किसी जगह कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, तो यहाँ पर तो मेरे मुंह पे जो ना सारे काले तिले हैं वही दिख रहे हैं, कि कोई हज़ार के करीब हैं, ऐसे वीडियो में नहीं पता चलेगा आपको भी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे ऐसे लगता है इसके अंदर मेरे फेस के अंदर ना कोई 5-6 हज़ार छोटे छोटे काले तिले हैं। खैर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और ये क्या है भाई? वो बूम बूम बूम। यहाँ पर जैसे ही जाते हैं डीडी भाई पहले से ही बुक रीड कर रहे हैं। थैंक यू डीडी भाई, ओह माय गॉड, देयर इज लक्ज़री रूम अपार्टमेंट। तो ये सही है, नॉर्मल वही अच्छा लग रहा है मुझे, जो हमारा पहले वाला था। पहले वाला ये है कि ना वो इससे अलग है, ये अलग। हाँ ये थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी का आता है, लेकिन सही है। हमें क्या करना है भाई, हम लोगों ने कौन सी जिंदगी गुजारनी है, लेकिन ये हमारे लिए तो भले ये हो या वो हो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं भाई। एक से बढ़कर एक है भाई यहाँ पर। आते साथ भी हमें शूज़ मिले, और डीडी भाई बड़ी मुश्किल है, देखो आ नहीं रहे, लेकिन फिर भी उसको इस्तेमाल करेगा ये। तो क्या करूँ, वॉशरूम के लिए जहरी बात है, वो थोड़ी पहन के जाऊँगा। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पर एक वो चीज़ भी खड़ी हो गई भाई, साला मैं तो बॉस बन गया। नहा के इसको सुबह, कल मैं पहन के आपको दिखाऊँगा कि मैं आपको दिखता कैसा हूँ, आज तो छोड़ें, तो कल मैं आपको खैर ये बन के दिखाऊँगा, डोंट वरी ब्रो। आयत मामी नो, मामी नो। तो अभी हम लोग फिर से यहाँ से निकल रहे हैं, और हम जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, क्योंकि पूरा दिन तो कुछ बनाया नहीं है, तो यही टाइम है कि मेला लूट लो। वही ये कितना प्यारा है खेमा। आयत डू नॉट टच द प्लेस, ओके कम हेयर आयत, कम हेयर। तो भाई मामी नो, हाँ देखा अभी समझेगी ये, मामी नो करो ना फिर समझती है मामी। चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग जो ना आ गए डिनर करने के लिए, और ये होटल चेक करें यार, यहाँ पर जो ना वहाँ की नस्बत ना वो भी अच्छा है ये भी अच्छा है, वैसे हमारे हिसाब से तो वो और ये दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे ना सफाई बहुत ज़्यादा है, मतलब रोड भी खुले उनसे, ये 3 दिन रोड है, तो वहाँ की नस्बत ना आपको यहाँ पर ना ऐसे लगता है कि जैसे रोड ना चमा रही है, और थोड़ा और तरीके का है वो भी। अभी ये तो नहीं है कि भाई दुबई को आप अबू धाबी से कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों ही अच्छे हैं, यहाँ का थोड़ा अलग लुक है, वहाँ का अलग लुक है, लेकिन ये भी बहुत जैसे बोलते ना बहुत खूबसूरत है। और ये देखो मुझे क्या मिल गया, मेरी कैब मिल गई है भाई, तो गाड़ी आ गई थी, हमने कैब मंगा ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार बाकी बस अभी ये क्या है, बोटी स्ट्रीट पर भाई आए हैं खाना खाने के लिए,
तो बोटी स्ट्रीट से हम लोग खाना खाते फिर कहीं घूमते, आज भी लोग कुछ बना ही नहीं है, पता नहीं क्या है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ बन जाए, अल्लाह खैर करेगा, तो देखते हैं अभी। लेट सी इस्तकबाल देखें कि हम दुबई अबू धाबी में, यहाँ पर भी लाइट चली गई है, लोड शेडिंग, लाइट चली गई यार, बहुत मजाक हुआ है हमारे साथ। वो आ गई लेकिन चली तो गई ना, हम सच्चे हो गए। और डी डी भाई की गुंडागर्दी ये है कि इनको सबसे पहले प्याज और गाजर दी गई है। और ये देखें सुल्तान रही साहब भी यहाँ पर पहले से मौजूद है, और वो भी मौला जट वाली मूवी है भाई, मौले नो मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। और ये बोटी स्ट्रीट है, तो भी यहाँ पर बैठा है। आयत क्या हुआ, खाना 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 कर करो और शोर करो, बोलो बोलो, खाना टूट जाए क्या हुआ। तो भी खाना हमारे लिए आ चुका है, और सबसे पहले हमें मिले भैया कबाब है या फिश है, और इधर जना पराठे हैं, पराठे रात में, और ये नान है तिल वाले, और इधर प्याज है और गाजर है। आये खाना खाना, चलो करो खाना 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 खाना। और बारी है अब हमारे बारबेक्यू की, तो यहाँ पर फ्रेश फ्रेश सर्व किया जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और इधर जना हमारी कढ़ाई पड़ी हुई है, तो वैसे ये जो खाना बहुत ही मज़े का था, खाना हमने खा लिया, और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो नेक्स्ट लेवल क्या होगी कोई पता नहीं है, खैर हम लोग भी इनके साथ ही घूम रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो भाई साहब वो हेलो, आपको पता है कहाँ जा रहे हैं, आधा गली आधा गली आदन खली वली, मतलब इधर जाना इधर जाना है, फिर भाड़ में जाना है। और गाड़ी मिल गई भाई, या मरहबा हबीबी कैफ हालकुम, सही उन वल्ला हबीबी उन। तो अभी हम लोग आए हैं बेतल शाह, बेतल शाह मीन हाउस ऑफ टी, तो आपको जो समझ है आप वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से चाय लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो अभी हमारे अबू धाबी में, तो अबू धाबी का फ्लैग देखें कितना बड़ा है ना यहाँ से। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे एक प्लेस है बैठने के लिए, समझें कि ये जो ना अबू धाबी का जो ना दो दरिया है, तो अबू धाबी का दो दरिया पर हम लोग, ये तीन दरिया हो गया, दो दरिया हमारे पाकिस्तान में, ये तीन दरिया है ठीक है। तो यहाँ पर अभी रात के टाइम पानी तो नहीं दिखा सकते, तो नहीं दिखेगा ही नहीं, क्या दिखाएंगे। तो वैसे यहाँ पर माहौल अच्छा है, बस सुकून है यार यहाँ पर जो ना, वो सुन्य सुन्य। जैसे हम लोग जो ना पाकिस्तान में हम लोग के जो ना हमेशा बोलते हैं कि सुन्य यार यहाँ पर, सुन्य सुन्य मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं सब सन्नाटा है, तो उस टाइप का है यहाँ पर के, मतलब कोई शोर शराबा कोई खून खराबा कुछ भी नहीं है, तो बस सुकून से हर कोई अपनी लाइफ जी रहा है इस जगह पर। वैसे प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो ये इस टाइप की है कोई। तो मैं बोलता हूँ वो सीना कराची वाला के सर, रात जागते रहो और वहाँ पे आपको 24 घंटे कुछ ना कुछ मिल जाता है वहाँ पे, मतलब बोरिंग सीन कुछ नहीं है, मतलब हल्ला गुल्ला वहाँ पर, मैं बोलता हूँ पार्टी शार्टी ये चीज़ें चल रही हैं। और ये जो ना ऐसे एक जैसे एक आप सुकून की लाइफ गुजारनी चाहते हैं, तो भाई सुकून के लिए आप यहाँ पर आ जाएं अबू धाबी में। अरे माऊ ये तूने क्या किया हुआ, छिपकली को पकड़ा हुआ यहाँ पर, माऊ रुको मैं छिपकली को भगाऊँ, भाग जाओ मार डालेगी रे, ये मुझे ना खा जाए। अच्छा छिपकली जो ना बड़े सुकून से यहाँ पर बैठी हुई है, चलो माऊ भाग जाओ, ये या तो ये तुम्हें खा जाएगी या तुम इसको खा जाओगे, एक ना एक तो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ दोनों की सुलह करा लूँ यहाँ पर, चलो वे जाओ जाओ, चलो माऊ तुम आ जाओ, तुम अच्छी हो, बस छोड़ो उसको, छोड़ दो बेकार है, छोड़ दो उसको, वो तो है ही बेकार ना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चलो चलो छोड़ दो भाई, ये घूम फिर के ना मुझे लगता है उसके ऊपर यही जुल्म कर रही है, उसकी पूँछ भी खा गई है, तो लुंडी बना दिया इसको लुंडी, हाँ पूँछ वगैरह खा गई, बाकी भी खाएगी, वो भी जिद्दी है उसको, मैं भगा रहा हूँ लेकिन भाग नहीं रही, जा यार जा जी ले अपनी ज़िंदगी, माऊ आ जाओ, चलो माऊ चलो 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 माऊ। समंदर और ये चीज़ें देखने का खैर अपना ही सुकून माहौल है, और मिठे चावल वाला सीन है। तो हम लोग सारे यहाँ पर आ गए फिलहाल के लिए, तो मामी नो भी है मैं भी हूँ, सारे यहाँ पर बैठे हुए करके, तो खैर अच्छा लग रहा है, एक सुकून वाली ज़िंदगी है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है कुछ भी नहीं है, सारे अपनी अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जी रहे हैं। तो नीचे की तरफ पानी चल रहा है, ऐसे लगता है ये पानी जैसे हमें ले के जा रहा हो यहाँ से ना, हल्की हल्की लहरें जो है इसकी। तो भाई यहाँ पर जो ना दिलबर और जो सितारा जान की बाजी देने जा रहे हैं, दुनिया से थक चुके हैं ये लोग, तो ठीक है भाई आखिरी सलाम दुआ कर लो हमें जो करना है अपने, ठीक है थक गए ना अपनी ज़िंदगी से, थके हुए सब लोग, तो ठीक है भैया तुम्हारे हवाले हैं वतन साथी, हो जाओ कहाँ से वहाँ से लंग लगाओगे।
पे जो ना मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ना, जहाँ पर जो नीचे देखे पानी है ना, तो सामने तरफ बिल्डिंग है। तो सुनने में है कि यहाँ पर आप देखते रहो बिल्डिंग को तो ऐसे लगते है पत्थर खुद बखुद घूम रहे हैं। हाँ, तो ऐसे लगता है कि आप जो ना इसके साथ जो ना गंगा किनारे चल रहे हो ना, वो रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ, मुझे फिर ये जो ना एक बार याद है, एक हम लोग जब गांव में रहते थे ना, हमारे वहाँ पर जो ना पानी वाली नहर है, तो वहाँ पे भी सेम यही होता है। मैं उसके पुल के ऊपर बैठता छोटा होता था, मुझे ऐसा लगता है ये पानी चल रहा है, मैं भी साथ में जा रहा हूँ इसके ना, बहता हुआ जा रहा हूँ। तो वही सीन है, खैर वहाँ से अभी यहाँ पर है वही सीन देखने के लिए। तो वैसे मजाक कर रहा था, हर किसी का अपना अपना है। तो नहर पे भी यही फीलिंग आती है, यहाँ पर वाकई में ऐसे आता है जैसे आप यहाँ पर पत्थर के ऊपर बैठे हो ना, तो ऐसे देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप साथ में चल रहे हो। सबको फील हुआ कि पानी चल रहा है, कश्ती चल रही है, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा मैं बैठा हूँ, बार बार देखता रहा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। खैर वो शायद वो उनका रुख इस तरफ था, इस तरफ था, इस वजह से, तो मेरा नहीं हुआ। तो अभी बस हम लोग रिटर्न वापस ही जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था, तो कल से इंशाल्लाह, आज क्योंकि हम लोग मूव करके हैं ना, तो ज़्यादा कुछ हल्ला गुल्ला कुछ किया नहीं है। जहाँ पर रात का टाइम था, तो रात के टाइम आपको पता है कोई शॉपिंग मॉल यहाँ पे। अच्छा एक और भी रूल है कि रात के टाइम 12 बजे ना सब कुछ बंद, मतलब सब कुछ बंद, तो सब कुछ यहाँ पर बंद हो जाता है, होटल वगैरह सब कुछ। तो एक सुकून की जिंदगी अगर गुजारना चाहते हो आप इस साइड पर आ जाएँ, अगर आप इन्जॉय करना चाहते हैं, पार्टी बॉय हैं, तो वहीं दुबई में आप खुश हैं, शारजा इन साइडों पर अच्छे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अलग रूल है, वहाँ पर अलग रूल है। सब बातें करने का मतलब ये है कि बस यही व्लॉग था आज का, जो भी है इसी से आपसे आपको गुजार करना है। इंशाल्लाह आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। तो काफ़ी चीज़ें मैं व्लॉग अपने में कवर नहीं कर पाता, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये यहाँ पर गया था फिर वहाँ से निकल गया। तो मुझे लगता है कि मैं बना रहा हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है मैंने यहाँ पर नहीं बनाया था। तो जब हम लुलू में गए थे, लुलू मार्केट में गए थे, तो वहाँ पर भाई हुआ ये था कि हमने पर्स लिया था वहाँ पर, असल में ना वीडियो शूट नहीं किए करने देते, मना करते हैं। तो होता है किसी किसी जगह पे हमसे मना करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादातर जगह पे आप जाओ कुछ भी नहीं। पर्स लिया था अम्मी के लिए, पर्स लेके अभी रख दिया। खैर वो जिस दिन पाकिस्तान जाएंगे आपको वहाँ पर चल के दिखाएंगे। शॉपिंग सब की कर ली ऑलमोस्ट, तो सब कुछ पैक है अभी सारा जो है ना वहाँ पर, बाकी चल के दिखाएंगे। तो यहाँ पर यहाँ की रूटीन चल रही है। तो भाई डीडी भाई का चैनल है, मेरे गुजारिश होगी कि सारे लोग डीडी भाई को भी देखा करें, दिलबर यासिन के नाम से इनका चैनल है। तो क्योंकि अभी सब यहाँ पर आए थे, जिस चीज़ की नहीं चलती वो बोलते बाबर का कसूर है, क्योंकि व्यूज़ तो खैर नसीब के होते हैं, तो मैं किसी को ज़बरदस्त नहीं बोलता। खैर मेरे ख्याल में वीडियो आती है सबसे पहले आ जाती है, तो ये सीन भी हो सकता है शायद मेरा। खैर ये पाकिस्तान से आपको पता है मेरा कब से, वो इस्लामाबाद जब थे उससे भी पहले का यही टाइम था। तो खैर आप जो ना डीडी भाई का चैनल दिलबर यासिन उसको भी देख रहे करें, बाकी सबको भी देख रहे करें, क्योंकि मेरी वीडियो पहले आती तो फिर शायद हो सकता है उसी के वजह से उनके व्यूज़ कम आते हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।